हेलो गाइस, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की जो अपनी वर्कशीट है ये नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिनको हम करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई थी। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाज़ी विचारधारा के उन अपराधियों को सजा देने के लिए की गई थी जिन्होंने जर्मनी में यहूदियों और अपाहिजों और यजीयों के साथ कत्लेआम किया था। बड़ी संख्या में 60 लाख के आसपास से ज़्यादा लोगों को जति मारा था नाज़ीवादियों ने। चलिए दूसरा देखते हैं, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन दो देशों के हाथों में था। तो इसकी एक ट्रिक है FB, बोले तो फेसबुक, जो भी है ध्यान कर लीजिएगा आप। तो और इसका याद रखेंगे आप, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में फ्रांस और ब्रिटेन के हाथों में था। तीसरा देखेंगे, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने, यहाँ पे आ जाएगा, डाब्स नामक योजना बनाई। चौथा है कि सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रातों रात क्यों बंद हो गई। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद, यहाँ पे आर्थिक लिख देंगे, आर्थिक मदद रातों रात अमेरिका में आई आर्थिक मंदी के कारण बंद हो गई। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना ने हिटलर को आग बबूला किया। तो बहुत सिंपल आंसर ये, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई थी उसी घटना ने, वर्साय की संधि नामक घटना ने हिटलर को आग बबूला किया। वर्षा संधि थी जिस पे जर्मनी को थोपा गया था कि जर्मनी तुम्हारे ही कारण युद्ध हुआ है और तुम ये हर जाना भरो। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कभी। और अगला देखते हैं, वैसे आपको पता होगा इनके बारे में, इन फैक्ट्स को आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसके लिए एक अलग से जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ से देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने जर्मन वर्क्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया। जर्मन वर्क्स पार्टी पहले जो पार्टी थी उसको हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बना दिया और बाद में उसी का नाम नाज़ी पार्टी। कौन सी पार्टी? नाज़ी पार्टी के नाम से जाना गया। नाज़ी पार्टी, यहाँ पे आएगा पार्टी, नाज़ी पार्टी में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी क्योंकि हिटलर एक अच्छा वक्ता था, वो तेजस्वी भाषण देता था। लोगों को उम्मीद जगाई उसने कि मैं जर्मनी का भाग्य बदल दूंगा, हमारे साथ जो अपमान हुआ है उसका बदला लूंगा, विश्व पटल पर जर्मनी उभर कर एक शक्तिशाली देश के रूप में आएगा। अगला वही है, देखिएगा, जर्मनी मंत्रिमंडल में चांसलर का पद, जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री का पद होता है ना, उसी तरीके का पद वहाँ पे चांसलर बोला जाता है, जो आज के डेट में एंजेला मार्कल है वहाँ की चांसलर जर्मनी की। तो जर्मन मंत्रिमंडल में चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली पद था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया था। 1932 के चुनाव में 37% वोटों के साथ हिटलर की नाज़ी पार्टी को बहुमत मिला था, वो सरकार बना पाया था। प्रसिद्ध कौन सा अधिनियम था? प्रसिद्ध अधिनियम के जरिए जर्मनी में बकायदा तानाशाही स्थापित की गई।
तो इसका आंसर, एक सेकंड मुझे जरा ध्यान नहीं आ रहा, जो एक्ट था ये अधिनियम था, इसको विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि इनेबलिंग एक्ट, एक्ट बनाया था जर्मनी में उसने, हिटलर ने, और इस एक्ट के तहत बकायदा अधिनियम लाकर वो कोई भी फैसले ले सकता था, संसद की शक्ति कम कर दी थी हिटलर ने, और तानाशाही अपनी मर्जी स्थापित कर दी थी, तो इसको बोला है इनेबलिंग एक्ट यानी कि विशेषाधिकार, ये विशेष अधिकार उसके हाथों में आ गई थी चांसलर के यानी कि प्रधानमंत्री जो उस वक्त हुआ करता था हिटलर, उसने संसद में इस तरीके का संशोधन कर लिया। हिटलर ने जर्मन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉल्मर शाखत को सौंपी। क्या पटरी पर लाने की जिम्मेदारी? जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो लचर हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, बहुत ज्यादा महंगाई थी, बेरोजगारी थी, इन चीजों से सुधार लाने के लिए, और शुरू में इनको कामयाबी भी मिली, जो कार की कंपनी वोल्स वेगन या इस तरीके की कोई थी, जो भी काम किया उन्होंने शुरुआती दौर में अच्छा रहा, इसका फायदा जर्मनी को मिला, जर्मनी धीरे धीरे मजबूत होता चला, फिर जिसका आगे चल के पोलैंड पे हमला किया जर्मनी ने, और इस प्रकार से जर्मनी, हिटलर की विस्तारवादी नीति, फैलने की नीति, पोलैंड पे हमला, और इस प्रकार से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की बीज बोई गई थी। अगले वीडियो में हम बहुत डिटेल से इसको समझेंगे, मैं आपके लिए स्पेशल लाऊंगा उस वीडियो को, और शॉर्ट और सीक्वेंस में आपको अच्छे से समझा दूंगा, जो आप एक कहानी की तरह उसको अच्छे से याद कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे पढ़ने वाले हैं। निम्न वाक्यों को ऐतिहासिक आधार पर सही करके पुनः लिखिए। हिट आगे देखते हैं, 11वां, हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था, बिल्कुल उसकी इच्छा ऐसे ही थी। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। देखिए इसकी एक ट्रिक है, धुरी शक्तियों की इस तरीके से याद रखिए, ज ई और जा, इसको आप जीजा के नाम से भी याद कर सकते हैं, धुरी शक्तियों में, देख कैसे जर्मनी ज से और ई से इटली और फिर जा से जापान, यहाँ चीन नहीं होगा जापान होगा। 13th, अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, अलग नहीं हुआ था, 1917 में अमेरिका इसमें युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, यहाँ पे शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया, नहीं जर्मनी ने नहीं, इसको निशाना जापान ने बनाया था, ठीक है। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए यहाँ पे देखिए, 15वां, 1941 में अमेरिका पर हमला करना हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफी थी, नहीं एक्चुअली शुरू में पोलैंड पे हमला करना, फिर फ्रांस को जीतना, और इस तरीके से जर्मनी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, अपना विस्तार करता रहा था, इसी क्रम में उसका मनोबल इतना बढ़ गया कि उसने पूरब के में जो रसिया था, एक बड़ा देश और विशाल देश, उसके ऊपर उसने हमला कर दिया 1941 में, और यह इसकी भूल साबित हुई, क्योंकि फिर जर्मनी वहाँ की रसिया की लाल सेना जो रेड आर्मी थी, उन्होंने फिर इनको बहुत बढ़िया से धोया और इनको खदेड़ते चले गए, इनको पीछे धकेलते धकेलते वापस बर्लिन तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखिएगा, नीचे एक कथन और उसका कारण आर दिए गए हैं, कथन ए है और उसका कारण आर है, इन वाक्य को पढ़कर सही विकल्प चुनना है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, सही बात है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया, ये भी सही बात है। आगे देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, ए आर की सही व्याख्या करता है, आर क्या है, कारण है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए, और आर सही व्याख्या है, व्याख्या क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, ठीक है, तो ये पहला ही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन ए और उसका कारण आर दिए गए हैं, इन वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन क्या है, जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, कहीं ना कहीं पड़ोसी देश है, थोड़ी दूरी पर ही है, इंग्लिश चैनल पार करके इधर इंग्लैंड है, इधर यूरोप में फिर फ्रांस और जर्मनी, इधर इस तरीके से है। तो कारण देखते हैं, इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, ठीक है, बहुत जबरदस्त उस पर उसका अपमान हुआ था, उससे उसकी सेना भंग कर दी, उसके खनिज क्षेत्र ले लिए, कोयला क्षेत्र जो था रखाइन वो ले लिया,
है ना, उस पे 6,000 पाउंड का जुर्माना डाल दिया पैसे का, इस तरह के कई प्रकार के उस पे पाबंदियां लगा दी थी, उसके उपनिवेश छीन लिए जो कई सारे देश थे। आगे देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, बात तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए आर की सही व्याख्या करता है, ए कह रहा है कि इंग्लैंड की नज़र में वर्साय की ये वाला जर्मनी की विस्तारवादी नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था। ठीक है, हाँ यही सही रहेगा, पहला इसका सही आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगर कुछ है इसमें। ठीक है, ये है बच्चों ओवरऑल वर्कशीट, आई होप आपको चीज़ें पसंद आएंगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।